इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर के महीने में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन्स के बारे में। सितंबर का महीना आ रहा है और उस महीने में लगभग 10 स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं, जो काफी तगड़े स्मार्टफोन्स हैं। सबसे पहले स्मार्टफोन जो लॉन्च होने वाला है वो है वीवो के जेड सीरीज स्मार्टफोन। वीवो ने अभी फिलहाल लगभग एक या डेढ़ महीने पहले वीवो के Z1 Pro स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जो बहुत ही ज्यादा बिका था। वीवो Z1 Pro में बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन थे, जैसे स्नैपड्रैगन 712 का चिपसेट था और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा था। ऐसा काफी ज्यादा अच्छा स्पेसिफिकेशन था, तो उसका आप कह सकते हैं कि सक्सेसर आने वाला है जेड सीरीज का, जिसका नाम हो सकता है Z1X उसका नाम हो सकता है, और उसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा हमें देखने को मिल सकता है, तो काफी अच्छी बात है। तो ये सक्सेसर आने वाला है वीवो जेड सीरीज का, और ये कंफर्म न्यूज है। सितंबर के महीने में ये जो फोन है हमें देखने को मिल सकता है। और जो सेकंड फोन जो मैं बात कर रहा हूँ ये है HMD के तरफ से आने वाला है। HMD मतलब नोकिया, क्योंकि आप सबको पता है कि नोकिया का ब्रांड लाइसेंस HMD ग्लोबल ने ले लिया, तो जो भी हमें नोकिया का फोन देखने को मिलता है वो सब HMD के तरफ से ही आता है। बस HMD जो है नोकिया का थप्पा लगा देता है, मतलब क्या बताऊँ, उसका नाम लगा देता है स्मार्टफोन्स में, ठीक है। तो 6.2 और 7.2 दो नए स्मार्टफोन्स हमें देखने को मिल सकता है। बर्लिन पे लॉन्च होगा और उसके बाद इंडिया में भी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। सर्कुलर ट्रिपल कैमरा देखने को मिल सकता है नोकिया 7.2 पे, और स्नैपड्रैगन 710 के साथ आ सकता है, तो काफ़ी पावरफुल स्मार्टफोन हो सकता है। स्नैपड्रैगन 710 काफ़ी पावरफुल स्मार्ट प्रोसेसर है, और बस प्राइसिंग सही रख दे तो यार ये फ़ोन ठीक जाएगा। अगर प्राइसिंग 15,000 के अंदर होगा तो ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है इंडिया के अंदर। स्नैपड्रैगन 710 का वैल्यू ऐसा है कि 15,000 के अंदर रख दो तो अच्छी तरीके से बिक सकता है, ठीक है। उसके बाद एक स्मार्टफोन आता है इन्फिनिक्स हॉट 8, और इन्होंने ऐसा दावा किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, मतलब काफ़ी इन्फ्लुएंसर के साथ, कि ये जो स्मार्टफोन है ये अंडर 5,000 to 8,000 के प्राइस रेंज में आएगा, और ये बदल देगा, ठीक है। अब मान जाओ कि बदल देगा कि फ़ोन को कैसे हम यूज़ करें, ठीक है। हम देखते हैं कि कैसा आने वाला है। और ये जो है सक्सेसर होगा हॉट 7 का, इन्फिनिक्स हॉट 7 का। आपको पता होगा इन्फिनिक्स हॉट 7 अभी आया था, मतलब मान के चलो कि 3 महीने भी नहीं हुए होंगे, 3 महीने या 2 महीने भी नहीं हुए होंगे, तो इन्फिनिक्स हॉट 8 आने वाला है, तो देखते हैं कि ये फ़ोन कैसा चलता है। उसके बाद आता है सैमसंग गैलेक्सी M30S, एक्सोनॉस 9610 के साथ आएगा, ठीक है। 6000 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एक्सोनॉस 9610 वही प्रोसेसर है जो हमें गैलेक्सी A50 में देखने को मिलता है, तो A50 जो है काफ़ी ठीक ठाक पावरफुल प्रोसेसर हमें देखने को लगा है, क्योंकि वो आता है 18,000 का फ़ोन है, तो उस प्रोसेसर को अगर आप लगभग 14,000 या 15,000 में दे रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी हमारे लिए, एंड कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी। और इसमें 6000 mAh का बैटरी हो सकता है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात हो सकती है। मतलब यार आजकल पहले 3000 mAh बैटरी देते थे कंपनीज, आजकल 6000 mAh बैटरी दे रही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात बन सकती है हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद है हॉनर 9X, इसमें पॉपअप कैमरा होगा, और इसमें किरिन 810 प्रोसेसर होगा। किरिन 810 प्रोसेसर का एंटू बेंचमार्क स्कोर है 3,10,000। आप सोच के देखो 3,10,000 स्कोर है, मतलब ये लगभग फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है, मैं बता रहा हूँ, मैं दावा दे रहा हूँ, ठीक है। दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये लगभग फ्लैगशिप प्रोसेसर मान सकते हो इसे, तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन बन के आ सकता है। हॉर्नर 9X और हॉर्नर 9X प्लस होगा मेरे हिसाब से, या प्रो होगा, पता नहीं कैसा होगा, इनका नेमिंग स्कीम मैं भूल गया है। 7X आया था, 7X आपको पता होगा, उसके बाद 8X आया था, 8X, और ये 9X है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन हो सकता है, ये भी सितंबर में लॉन्च होगा। और हॉर्नर के फ़ोन के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि इनका अपना खुद का प्रोसेसर होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से, मतलब उसे माल मसाला को मिक्स करते हैं, तो इनका अपना प्रोसीजर होता है, काफ़ी बढ़िया निकल के आता है इनका स्मार्टफोन्स, लैग भी नहीं करता। उसके बाद है सबसे बढ़िया वॉर जो चल रहा है 6 नंबर पे, वो है रियलमी XT को लेकर और रेडमी को लेकर, कि कौन सबसे पहले 64 मेगापिक्सल का फ़ोन लॉन्च करेगा। तो सबसे पहले तो बात आती है रियलमी, मुझे जहाँ तक पर्सनली लगता है कि रियलमी लॉन्च करने वाला है रियलमी XT के साथ 64 मेगापिक्सल का कैमरा वाला क्वाड कैमरा स्मार्टफोन, तो देखते हैं कि कौन सबसे पहले लॉन्च करेगा। मेरे को जहाँ तक लगता है कि रियलमी सबसे पहले लॉन्च कर सकता है, क्योंकि रियलमी ने पहले ही बताया है
क्योंकि उन्होंने देखो कि 10,000 के प्राइस रेंज में रियलमी 5 को भी लॉन्च किया है, जबकि रेडमी ने लॉन्च नहीं किया, वो भी लॉन्च कर सकते थे। रेडमी 8 सीरीज उन्होंने लॉन्च कर सकते थे, उसमें भी 4 कैमरा वाला स्मार्टफोन है, उन्होंने लॉन्च नहीं किया। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि रियलमी सबसे पहले लॉन्च करेगी 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा स्मार्टफोन। उसके बाद 7th नंबर पर आता है रेडमी नोट 8 सीरीज। बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ सीरीज़ है, बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है लोगों के पास मन में। मीडिया टेक का हीलो 960 GT, ठीक है, G90T प्रोसेसर है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मान सकते हो उसे, ठीक है। खेरे 9810 जैसा पावरफुल नहीं है, पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। 4500 mAh का बैटरी मिल सकता है, कन्फर्म न्यूज़ है। और इसमें 25x का जूम मिलेगा, तो ये भी कंफर्म न्यूज़ है कि 25x का जूम आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि आप इसमें 25x का जूम दे रहे हो। ऑप्टिकल जूम तो नहीं होगा, और ये आपको वैसा वाला सॉफ्टवेयर बेस्ड जूम होगा, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद 9th पे हमें देखने को मिलता है iPhone 11 Pro का वो लॉन्च डेट, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर आप देखोगे आईफोन के लिए काफ़ी लोग मतलब अपने किडनियाँ बेचने के लिए रेडी रहते हैं, तो देखते हैं कि इस बार कितने किडनी बेचना पड़ता है। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। काफ़ी मेरे हिसाब से यार जितना वो वैल्यू प्रोवाइड करता है आईफोन, उसके लिए वो प्राइस जो लेता है, देखो अब्रॉड में तो सस्ता ही होता है यार, बस वो इंडिया में वो टैक्स लग्जरी टैक्स वगैरह ऐड करके महंगा हो जाता है। इस बात पर तो हमें मोदी जी से बात करना पड़ेगा, वरना तो यार अब्रॉड में तो मेरे हिसाब से $1000 लगभग लेके चलो 74,000 फॉर iPhone XS Max वैलिड प्राइस है, ठीक है, 74,000। इंडिया में वो लग्जरी टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, ये टैक्स, वो ऐड करके इतना महंगा हो जाता है, तो इसके लिए तो हमें गवर्नमेंट से बात करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है 10th पे Asus Reno 2F और Reno 2Z। तो ये दो जो मैंने नाम बोला, ये दोनों एक्सक्लूसिव फ़ोन है, आपको किसी ने बताया नहीं होगा तो हम बता रहे हैं। तो ये दोनों फ़ोन्स भी लॉन्च होने वाले हैं रेनो सीरीज़ में, रेनो 2F और रेनो 2Z। ये दोनों फ़ोन्स भी रेनो सीरीज़ के साथ लॉन्च होगा, तो ये भी मेरे हिसाब से कम स्पेसिफिकेशन या ज़्यादा स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च हो सकते हैं। तो ये मेरे को कंफर्म नहीं है कि कम स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होगा या ज़्यादा स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होगा, पर ये लॉन्च ज़रूर होगा, ठीक है। उसके बाद आखिरी फ़ोन जो है लिस्ट में है, वो है Asus Rog Phone 2। ये वैसे पिछले मंथ ही लॉन्च होना चाहिए था, पर पता नहीं लॉन्च क्यों नहीं हुआ, पर इस महीने जो है कंफर्म है कि लॉन्च हो जाएगा। अगर इस महीने लॉन्च नहीं हुआ तो वो अगले महीने के न्यूज़ में डाल देंगे, मजाक कर रहा हूँ। पर इस महीने मेरे हिसाब से 99% श्योरिटी है कि इस महीने इंडिया में लॉन्च हो जाना चाहिए, पिछले महीने ही लॉन्च हो जाना चाहिए था। काफ़ी अच्छा स्पेसिफिकेशन है, 855 प्लस के साथ आता है, स्नैपड्रैगन 855 प्लस के साथ आता है, और चाइना में इसकी प्राइसिंग जो है 35,000 है यार। अगर इंडिया में 40,000 भी रख दो, 45,000 भी रख दो, फिर भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन ये बन सकता है, ठीक है। और 6000 mAh का बैटरी है, LED लाइटिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशंस हैं। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप इन स्मार्टफोन्स में से कौन से स्मार्टफोन्स के लिए कब से ज़्यादा एक्साइटेड हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ यार शेयर कर दो ताकि वीडियो में थोड़ी सी व्यूज़ ज़्यादा आ जाए। आजकल पता नहीं चल रहा, मेरे पिछले वीडियो में 30 व्यूज़ आए, वो मुझे पता नहीं चल रहा कि ये यूट्यूब का ग्लिच है या क्या है, पर हमारे 13,000 सब्सक्राइबर्स है और 30 व्यूज़ आए, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा ये यूट्यूब का ग्लिच ही हो सकता है, ठीक है। तो पता नहीं क्या हो रहा है, तो आप शेयर ज़रूर करिएगा, तो इससे हमारे व्यूज़ बढ़ जाएंगे। तो अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं जोन्स आप सभी से विदा लेता हूँ।